नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने घर से 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर आया हूँ और ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो ये हरियाणा का अम्बाला रेलवे स्टेशन है जो कि कैंट का इलाका है। आप सोच रहे होंगे कि अम्बाला में मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था चंडीगढ़, पर ट्रेन न मिलने के कारण मुझे अम्बाला आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लेखू और आप देख रहे हो लेखू खुशी ब्लॉग। दोस्तों, दिल्ली से अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन चंडीगढ़ की नहीं मिलती तो आप अम्बाला आ सकते हैं और यहाँ से फिर आप बस या ट्रेन की सहायता से चंडीगढ़ जा सकते हैं। चलो मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ हम इस ब्रिज की सहायता से प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाते हैं। बाहर आने के बाद हमें एक सिंपल सी एक बिल्डिंग दिखती है जो कि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। दोस्तों, अभी हम अम्बाला हरियाणा में हैं और आपने देखा किस तरह से नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। और कुछ बिल्डिंग इसकी कुछ खास मुझे लगी नहीं है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग मुझे सबसे अच्छी लगी थी लखनऊ की। लखनऊ वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है, ठीक है। तो वहाँ हम जाएंगे, तो चलो यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर आ गई ये बस है। काफ़ी पुराने ज़माने की बस का डिज़ाइन लग रहा है। अंदर भी इसकी पूरा सीट इतना पुराने ज़माने की जैसा दिख रहा था। मैंने पहली बार इस तरह की बसें देखी थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बस राजस्थान सरकार की थी। बाहर हमें सनसेट का टाइम है और यहाँ पर देख लो कुछ इस तरह से सनसेट वाला दिखाई दे रहा है नज़ारा। दोस्तों, यहाँ मैंने पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा की बसें भी सेम इसी तरह से देखा था। शाम का टाइम होने के बाद भी ट्रैफिक ना के बराबर है, आप देख लो। यहाँ पर आ गए हम चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इस तरह की ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही आपको देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छा शहर है। आपको आने पर ऐसा लगता है ना जैसे कि आप विदेश में आ गए हों। ये देखो, यहाँ का एक बस स्टैंड है जो सेक्टर 17 में है। अम्बाला रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में हमें कुल 75 रुपये खर्च करने पड़े थे प्रति व्यक्ति। चंडीगढ़ का ये बस स्टैंड काफ़ी यूनिक तरह से डिज़ाइन किया गया है और यहाँ की खासियत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग ब्लॉक हैं जहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। ये पास्टर बंजारा सिंह मिनिस्ट्री में जाना था तो उसके लिए हमने पता किया, तो हमें पता चला कि 25 नंबर की बस में बैठकर हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका था तो 25 नंबर की बस जा चुकी थी। एक पंजाब सरकार की बस में बैठकर गए थे लेकिन यह बस पूरी दूरी तक नहीं गई थी। ब्लॉक नामक एक कोई जगह है वहाँ पे, वहाँ तक इसने छोड़ा था क्योंकि ये न्यू चंडीगढ़ में है कुनाली रोड में। तो फिर हम लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चले, इसके बाद हम पहुँचे बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री। आप गेट देख रहे हो, ये प्रोफेट बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का गेट है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अंदर आने पर आपको दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड सा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लोग गद्दे और रजाई लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। हम लोग भी यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस ही कर रहे थे कि चलो यहाँ पे लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे गद्दे और रजाई लेने के लिए आपको पर नंग 100 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है। रजाई के लिए 100 रुपए और गद्दे के लिए 100 रुपए। यहाँ पे हमारे साथ एक हादसा हो गया। हमने जो गद्दे लिए थे वो गद्दे को हमने जहाँ पे हमें सोना था वहां पे हमने उसे बिछाकर थोड़े हम कैंटीन के साइड गए, वापस आए देखे तो हमारे पास गद्दे ही नहीं थे। एक्चुअली वो गद्दे चोरी हो गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से लवारिस अपने सामान को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होती है और लोगों को भागम भाग मची रहती है अब यहाँ सोने की वहां सोने की व्यवस्था बनाने की अपनी। लेकिन हमने जब काउंटर में बात किया तो काउंटर वाले व्यक्ति ने हमें दूसरा गद्दा दे दिया था। यहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। ये जो आप देख रहे हो यह कैंटीन का इलाका है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फूड्स मिल जाएंगे। बहुत लंबा इनका मेन्यू कार्ड है तो ये सुबह से स्टार्ट ही हो जाता है। यहाँ पे आप आराम से 10-11 बजे तक ये खुला रहता है और यहाँ पे 50 रुपये थाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड्स हैं वो खा सकते हैं आप। आपको भरपेट खाना यहाँ पर मिल जाएगा और अच्छा हेल्दी खाना मिलता है। ये बस जो देख रहे हो ये बिजेंद्र सिंह जो मिनिस्ट्री है उसी की बस है और ये स्टाफ बस है। मैं इसके पास खड़े होके कुछ शूट कर रहा था और ये आप देख रहे हो जो टम्पाल से टेंट लगे हुए हैं ये बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी लोग बिजेंद्र सिंह के पास आते हैं तो इसीलिए ये सब व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो ना ये इस ग्राउंड के अंदर एक ग्राउंड है वहाँ पर ये सब व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चर्च लगता है, यहाँ पर प्रेयर वगैरह होती हैं
और अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, उसके हिसाब से चेयर रखी गई हुई है, क्योंकि अलग अलग तरह के फरियादी यहाँ पे आते हैं। ये मंच के बिल्कुल पास वाला इलाका है और मैं बैठा जो हूँ वो बिल्कुल अभी जो कैबिन है ये वाला कैबिन रजिस्टर्ड कैबिन है, यानी कि ये मेंबर वालों का कैबिन है, बिल्कुल फ्रंट में रहता है। सामने आप जो स्टेट देख रहे हो यहाँ पे बिजेंद्र सिंह जो हैं वो अपना प्रेयर वगैरह करते हैं। बैठने की होड़ना सुबह से ही लग जाती है, सुबह से ही आपको अपने लिए सीट को की व्यवस्था बनानी पड़ती है अगर आपको आगे बैठना है, क्योंकि शाम तक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। प्रोफेट बिजेंद्र सिंह यहाँ पे शाम को अपनी प्रेयर करते हैं और वो लगभग 9:30 बजे के आसपास उनकी प्रेयर स्टार्ट होती है। प्रोग्राम लगभग 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है जो लगभग 12:30 बजे तक चलता है। काफी टाइम हो गया मुझे बैठे बैठे सुबह से परेशान हो गया, क्योंकि यह मैंने धूप बहुत ज़्यादा है और टाइम जो हो रहा है ना अभी वो 2:30 से 3 बज रहे हैं भाई, तो बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से मुझे पसीना पसीना हो गया। और ये आप देख लो यहाँ पे जितने भी लोग अभी जो बैठे हैं सब सुबह से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं इसलिए क्योंकि अगर ये लोग नहीं बैठेंगे तो इनकी चेयर में कोई और बैठ जाएगा, तो आगे बैठने की होड़ में ये सब बैठा जा रहा है। कुछ इस तरह से ये नज़ारा जो दिख रहा है और ये लंबी कतार लगी अंदर जाने के लिए। ये देख लो आप जो ये पूरा रात का नज़ारा है, लाइट में कुछ इस तरह से दिखता है, लाइटिंग की व्यवस्था होती है और देखो खचाखच भीड़ बिल्कुल है। ठीक है, मैं और मेरे अंकल दोनों हम बैठे हुए हैं, अभी प्रेयर स्टार्ट हुई नहीं है, करीब 7:30 के आसपास हो गए हैं, लगभग 9 बज रहे हैं और अभी प्रेयर स्टार्ट हो गया। प्रेयर स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है, सभी लोग खड़े होकर प्रेयर में शामिल हो गए हैं। मैं और मेरे अंकल हम भी यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन ये प्रेयर अब समाप्त हो चुकी है। जैसे खत्म होती है हम थोड़ी ही देर में बाहर निकल जाते हैं। बाहर जल्दी से निकलने का कारण यह था क्योंकि 2:15 में हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, और प्रोफेट बिजेंद्र सिंह की जो मिनिस्ट्री है यहां से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। अब हम पहुंच गए हैं भाई रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का, जहां से हमें अंबाला तक के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो हम स्टेशन चंडीगढ़ के स्टेशन का नजारा कुछ इस तरह से है जो आप देख सकते हो। ये जो एक्सप्रेस है ये गोवा जाएगी, लेकिन इससे हम अंबाला तक जाएंगे, अंबाला से हम अपने घर के लिए एक अलग और एक नई ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें सीधे घर तक रहेगी। अब आपका सवाल ये होगा कि मैं यहाँ क्यों घूमने गया था, तो मैं यहाँ पर ये मिनिस्ट्री जो थी ये मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ में गया था चंडीगढ़, स्पेशली मैं बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में ही गया था, अपने लिए नहीं किसी के साथ में गया था। एक्चुअली उन्हें रूट पता नहीं था तो उनको साथ में लेके गया था मैं चंडीगढ़। पर्टिकुलर मेरी कोई आस्था नहीं है, मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे किसी धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और जो लोग बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री जाना चाहते हैं इस ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करना। दोस्तों ये था बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के ऊपर बड़ी मेरी बनाई गई वीडियो, आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।